जनपद रुद्रप्रयाग के सेमा लड़ियासु मोटरमार्ग निर्माण की मांग को लेकर ग्रामीणों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। बता दें कि संघर्ष समिति अध्यक्ष और महासचिव ने कहा कि वर्ष 2010 में तत्कालीन मुख्यमंत्री ने मोटरमार्ग की घोषणा की थी, जिसकी स्वीकृति के एक दशक बाद भी सड़क निर्माण नहीं हुआ, जबकि ग्रामीण कई बार आंदोलन कर चुके हैं। दरअसल सड़क न होने से ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं राजस्व विभाग जमीन चिन्हित कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग इसमें अड़ंगा डाल रहा है। इस मौके पर ग्राम प्रधान ने कहा कि जल्द सड़क निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करेंगे और आगामी विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। तो हम जो है सन 2010 में जो है माननीय रमेश पोखरियाल जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो खुली ब्लॉक में ये रोड घोषणा करवाई थी और पूरे क्षेत्र के लिए देखते गए जो है, हमने नहीं कहा पूरे क्षेत्र के लिए ये जो है सड़क लाइफ लाइन थी। और हम जो है कई बार जो विवाहों के चक्कर काटते काटते थक गए। हमारे जो यहाँ जिले से लेकर भारत सरकार में नोडल में जब जो विधानसभा सचिवालय मुख्यमंत्री आवास पे जाते जाते थक गए। मैं यहाँ जो है कम से कम 10 वर्षों में 4-5 तो यहाँ सीएम जो है उत्तराखंड के बदलेगी और 10-12 जो है यहाँ जनता रुद्रप्रयाग के जो है डीएम बदलेगी। मगर जो है वो जो है सड़क आज भी जो है टोकरी में दिमाग जो सड़क की जो है फाइलों को चाट रही है। सामने सामने एक साल के भीतर भीतर 3 ऐसे केस हुए हैं जो रोड के न होने के कारण अपने सामने से हमने उनके मरते हुए देखा है। केवल हमारा सारा था कंडी और डंडी उन पे ले गए, लेकिन ले जाते हम उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा नहीं पाए, उससे पहले ही उन्होंने दम जोड़ा रास्ते में तोड़ दिया था। दूसरे में हमारे बच्चे कम से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है मतलब गाँव से मतलब स्कूल है, पहाड़ का क्षेत्र है, पत्थर गिरने का भय है, आज देखते हैं पर बारिश आएगी नहीं आएगी, बच्चों को भेजे नहीं भेजे ये डर रोज बना रहता है। जंगली जानवरों का डर आजकल वैसे भी जो है पूरी जगह फैला हुआ, तो इस चीजें जी हमें बहुत ही मतलब दुखद के साथ कहना। घोषणा में 2010 में प्रस्तावित हुई थी और आज तक उस पर कुछ भी सुनवाई नहीं है। जैसे कि कभी वन विभाग के अड़ंगे, कभी PWD के अड़ंगे और रोज ये दोनों विभाग की वजह से ये सड़क हमारी विवादित हो जा रही है। जो हमारे आम ग्रामीण जनता 4 किलोमीटर सदैव पैदल जाती है, हमारे बच्चे 4 किलोमीटर पैदल स्कूल जाते हैं और 4 किलोमीटर आते हैं, यानी कि 8 किलोमीटर। जब 8 किलोमीटर हमारे बच्चे जाएंगे आएंगे तो वो क्या पढ़ाई करेंगे, उनका भविष्य चौपट है। हमारी वृद्ध महिलाएं हॉस्पिटल तक नहीं जा पाती हैं, हमारी गर्भवती महिलाएं उनके बच्चे रास्ते में हो जाते हैं, हमारा बहुत दुर्भाग्य है। जबकि सरकारों के कई लंबे चौड़े वादे हैं कि हम सड़क से जोड़ेंगे, बिजली पानी से जोड़ेंगे, जो कि धरातल पे 0 है।